Hi everyone, welcome to my channel. Today's video is on this eye makeup look. So यहाँ पे मैंने create किया है red cut crease eye makeup look. So ये half cut crease draw किया है और उसके साथ मैंने glitter apply किया है. So अगर आपको देखना है ये eye makeup tutorial then please keep on watching. जो भी product यहाँ पे use की हूँ उसका link description box में होगा. And also आप मुझे follow कर सकते हो on my social medias, उसका भी link description box में है. So let's start with today's video. तो यहाँ पे आई शेडो पैलेट के लिए मैंने यूज किया है हुडा ब्यूटी का रूबी ऑब्सेशन आई शेडो पैलेट. तो इसमें मोस्टली रेड अंडरटोन कलर्स हैं. तो इसमें से जो डार्कर कलर है उसको मैं एक पेंसिल ब्रश में लेके क्रीज पे एंड आउटर वी पे अप्लाई करूंगी. तो यहाँ पे एकदम पतला सा पेंसिल ब्रश यूज की हूँ. सो इससे प्रिसाइजली कलर को प्लेस कर पाएंगे जहां पे भी मुझे प्लेस करना है. सो मेनली यहाँ पे मैं इसको क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ एंड आउटर वी पे. सो इस कलर के हेल्प से मैं क्रीज को एंड आउटर वी को थोड़ा सा डार्कर शेप दे दूंगी और डेप्थ भी प्रोवाइड करेगा ये कलर. सो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके मैं क्रीज पे डिपॉजिट करूंगी एंड इंटेंसीफाई करूंगी एंड सेम थिंग मैं आउटर वी पे भी कर रही हूँ. इसके बाद मैं लाइटर रेड शेड को लेके क्रीज पे अप्लाई करूंगी और इसके हेल्प से मैं प्रीवियस शेड के एजेस को थोड़ा सा ब्लेंड करूंगी और ये हम लोगों का ट्रांजिशन शेड होगा. सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यूज किया है और इसके हेल्प से मैं प्रीवियस शेड के एजेस को अच्छे से ब्लेंड करते हुए ट्रांजिशन क्रिएट करूंगी. तो थोड़ा सा टाइम ले यहाँ पे धीरे धीरे कलर को प्लेस करते हुए ब्लेंड कर ले. इसके बाद मैं फर्दर और अच्छे से सॉफ्ट लुक देने के लिए एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश ले लूंगी और इसमें मैंने कोई कलर प्लेस नहीं किया है एंड इसके हेल्प से कलर को मैं और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट हो. इसके बाद में फिर से मैं डार्कर रेड शेड को अप्लाई कर रही हूँ थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करने के लिए एंड इसके बाद मैं ड्रॉ करूंगी कट क्रीज. तो इसके लिए कंसीलर यूज की हूँ स्विस ब्यूटी का एंड प्रो आर्ट का कंसीलर ब्रश यूज किया है. इसके हेल्प से मैं सबसे पहले क्रीज पे मार्क कर लूंगी कहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है कट क्रीज एंड उसके बाद मैं लिड स्पेस को अच्छे से क्लीन कर लूंगी कंसीलर के हेल्प से. सो ये ब्रश बहुत अच्छा काम करता है कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए. इसके बाद मैं डार्कर रेड शेड के हेल्प से कंसीलर के एज को थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी तो यहाँ पे कोई हार्शनेस ना रहे ताकि कंसीलर के एंड उसके बाद मैं लाइटर रेड शेड को अप्लाई करूंगी. उसके बाद थोड़ा सा अच्छा सा ट्रांजिशन क्रिएट करूंगी ये आउटर वी के साइड पे. तो यहाँ पे मैं आईलिड को सेट नहीं की हूँ, मैं डायरेक्ट कलर को प्लेस करूँ. इसके बाद मैं और एक पैलेट ले लूंगी, दिस वन इज फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक्स. सो इस पैलेट में आपको शिमरी शेड ही मिलेगा बट बहुत अच्छा पैलेट है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छा पैलेट है. सो इसमें से मैं जो लाइट बेबी पिंक शिमरी शेड है उसको अप्लाई करूंगी फ्रंट सेक्शन पे एक फ्लड ब्रश के हेल्प से. सो इसके हेल्प से मैं पैक कर लूंगी पूरे आईलिड पे. तो यहाँ पे आप चाहो तो फिंगर के हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हो इस कलर को, फिंगर के हेल्प से आपको ज्यादा पिगमेंटेशन मिलेगा. सो यहाँ पे मैं फ्लड ब्रश यूज की हूँ. इसके बाद मैं जो लाइटर रेड शेड है उसके हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी शिमरी शेड के एजेस को आउटर वी के कलर के साथ. इसके बाद मैं थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई करूंगी, ये ऑप्शनल स्टेप है, आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने किंगडम ऑफ लैशेस का ग्लिटर पैलेट यूज किया है और लाइट गोल्डन शेड को अप्लाई कर रही हूँ और इसको मैं ओनली फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई करूंगी कट क्रीज के साइड पे. एंड इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी विंग आईलाइनर एंड द आईलाइनर इज फ्रॉम लैक्मी आइकॉनिक. सो इसके हेल्प से मैं एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी, थिन विंग आईलाइनर क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे बट लंबा सा विंग आईलाइनर क्रिएट की हूँ. एंड उसके बाद मैं अप्लाई करूंगी लोअर वाटर लाइन पे काजल. यहाँ पे मैंने फेसेस कैनरा का काजल यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी काजल अप्लाई कर सकते हो. एंड इसके बाद सबसे पहले डार्कर रेड शेड को मैं लैश लाइन के क्लोज क्लोज अप्लाई करूंगी थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट देने के लिए. काजल के साथ इसको मिक्स कर लूंगी एंड इसके बाद मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी विद सम हाईलाइटर. दिस वन इज फ्रॉम के ब्यूटी. सो इसमें मेरा शेड है शैम्पेन फिज एंड उसके बाद मस्कारा के लिए यूज कर रही हूँ लॉरियल लैश पैराडाइज मस्कारा. सो ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, सो बहुत ही अच्छा एक मस्कारा है, आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो.
उसके बाद मैंने फुल आईलैशेस अप्लाई किया है एंड इसी के साथ खत्म होता है आज का आई मेकअप ट्यूटोरियल। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का ट्यूटोरियल एंड ऑल्सो आपके लिए हेल्पफुल भी हुआ होगा। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। Just to give me